नमस्कार, मैं प्रज्ञा धादा 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। पटना हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज पदों पर वैकेंसी निकाली है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट जज के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो वो ऑफिशियल वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 20 जनवरी 2024 है। इन पदों पर आवेदन करने वाले युवाओं को मान्यता प्राप्त संस्थान से लॉ में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसके साथ ही कैंडिडेट ने कम से कम 7 साल प्रैक्टिस की हो। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगेगा। यह ग्रहण रात 9:12 मिनट से मध्य रात्रि 1:25 मिनट तक रहेगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 25 मिनट तक रहेगी। यह ग्रहण मीन राशि और रेवती नक्षत्र में लगेगा। अप्रैल को लगने वाला साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह ग्रहण पश्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भागों में, इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र और आयरलैंड में दिखाई देगा। प्रकाश पर्व को लेकर सिख समुदाय के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस पर्व की तैयारी भी जारी है। पर्यटकों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगे। इस दौरान पटना सिटी को लाइट से जगमग किया जाएगा। 15 से 17 जनवरी के बीच यहां प्रकाश पर्व का आयोजन होगा। गुरु गोविंद सिंह महाराज के 397 प्रकाश पर्व को मनाया। पर्व में विदेशों से भी श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। कमरों के बुकिंग के लिए टोल फ्री नंबर को भी जारी किया गया है। इसके अलावा लोगों के लिए सभी जगहों पर लंगर की व्यवस्था की गई है। विश्व की सबसे बड़ी टेक दिग्गज कंपनी एप्पल को झटका लगा है तो वहीं दूसरी तरफ टेक दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को बढ़त मिली है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल से दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी होने का तमगा छीन लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में 1.5% की वृद्धि हुई, जिससे बाजार में कंपनी का मूल्यांकन $2.888 ट्रिलियन हो गया है। कंपनी को गुरुवार को यह सफलता प्राप्त हुई है। हालांकि एप्पल का मूल्य माइक्रोसॉफ्ट से महज 0.3% ही कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण की धरती से बिहार के लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। पार्टी के सूत्रों से जानकारी दी गई है कि पूर्वी चंपारण के सुगौली या पश्चिम चंपारण के बेतिया में मोदी जी की विशाल रैली होगी। इसकी सूचना पार्टी कार्यालय को मिल गई है। एनडीए से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली बिहार यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े समुद्री पुल का तोहफा आज मुंबई को दिए हैं। इस 22 किलोमीटर लंबे पुल से मुंबई से नवी मुंबई की दूरी तय करने में महज 20 मिनट लगेंगे। इसके उद्घाटन के बाद लोगों को 2 घंटे का सफर मात्र 20 मिनट में तय होगा। इस पुल का पूरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी सिवडी नहावाह सेवा अटल सेतु है। दरअसल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम अटल सेतु रखा गया है। राज्य के 16 जिलों के 26,925 शिक्षक 13 जनवरी को गांधी मैदान आकर औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। इन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इन 16 में से 14 जिलों के सभी तथा 2 जिलों के चिन्हित 3,000 शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल होंगे। चूंकि 14 जिलों के सभी शिक्षकों को गांधी मैदान में बुलाया जा रहा है, इसलिए इन जिलों में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम नहीं होंगे। शेष 24 जिलों में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होंगे। भारत और मालदीव के रिश्ते तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि इसी बीच भारत के राजनयिक फैसले की वजह से अल्जीरिया में मौजूद कुछ भारतीय कंपनी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल अफ्रीकी देश ब्रिक्स में शामिल होने से चूक गया। इसके बाद से सारा विवाद शुरू हुआ। साल 2022 में अल्जीरियाई राष्ट्रपति अब्देल माजिद तेब्बोनी की कोशिश थी कि वो ब्रिक्स देश का हिस्सा बने। अल्जीरिया का मकसद था कि वो रूस और चीन के खुद के आर्थिक संबंध मजबूत बनाए, लेकिन फ्रांस के कहने पर भारत ने अल्जीरिया को ब्रिक्स देश का हिस्सा नहीं बनने दिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विद्यालयों व कॉलेजों को निर्देशित किया है कि वैसे छात्र छात्राएं जिनकी अनुपस्थिति की वजह से नामांकन रद्द हो चुका है, वैसे छात्र छात्राओं को किसी भी सूरत में प्रायोगिक परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। बोर्ड ने कहा कि वैसे सभी छात्र छात्राएं जिनका नामांकन पंजी से नाम काट दिया गया है, उनका समिति के स्तर से निर्गत इंटर वार्षिक प्रैक्टिकल परीक्षा 2024 का प्रवेश पत्र निरस्त किया जाता है। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में कंपकपाने वाली सर्दी एवं कोहरे का प्रकोप बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में मौसम में बदलाव ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। यानी सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा और सर्द हवाएं चलेंगी। आईएमडी का कहना है कि 15 जनवरी के करीब पूर्वोत्तर मानसून की समाप्ति के अनुकूल मौसम दशाएं बढ़ रही है। अगले कुछ दिनों तक पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सुबह वक्त घना कोहरा छाया रहेगा। यूपी के इलाकों में भी घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की झारखंड में होने वाली रैली 3 फरवरी तक के लिए टल गई है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इससे पहले कुमार 21 जनवरी को रामगढ़ में नीतीश जोहर रैली को संबोधित करने वाले थे। अब 3 फरवरी को आयोजित होगी रैली। झारखंड जनता दल के अध्यक्ष खीरू महतो ने कहा, 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मद्देनजर अब रैली 3 फरवरी को आयोजित की जाएगी। बार्क ने इस साल के पहले हफ्ते की टीआरपी लिस्ट जारी कर दी है। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर सीरियल अनुपमा ने पहले पायदान पर कब्जा जमाया हुआ है। अनुपमा के बाद गुम है किसी के प्यार में लंबे समय से लगातार टॉप 5 पर बना हुआ है। इस हफ्ते भाविका शर्मा और शक्ति अरोड़ा स्टारर ने 2.5 रेटिंग के साथ 2024 की पहली टीआरपी रिपोर्ट में दूसरा स्थान हासिल किया है। 2024 की पहली टीआरपी रिपोर्ट में तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने 2.2 रेटिंग के साथ चौथी रैंक हासिल की है।
हर गेंदबाज चाहता है कि वह कम से कम रन दे, चाहे फॉर्मेट कैसा भी हो। मिडन ओवर निकालना क्रिकेट में बड़ी बात होती है। मिडन ओवर यानी ओवर में एक भी रन नहीं, छह की छह गेंद खाली। लेकिन एक गेंदबाज ऐसा था जिसने लगातार 21 ओवर मिडन फेंके थे। गेंदबाज भारत का ही था, नाम है बापू नाडकर्णी। नाडकर्णी ने आज ही के दिन ये काम किया था। उन्होंने 1964 में तब के मद्रास और अब के चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच की पहली पारी में लगातार 21 ओवर मिडन फेंके थे। वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें यात्री बासी भोजन की शिकायत करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, यात्रियों ने कर्मचारियों से खाना वापस ले जाने की भी अपील की। अब इस मामले पर रेलवे अधिकारियों के साथ साथ IRCTC ने भी संज्ञान लिया है। रेलवे की तरफ से सर्विस प्रोवाइडर पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। आकाश केसरी नाम की एक एक्स प्रोफाइल से रेलवे के सामने शिकायत दर्ज कराई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर मालदीव के मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के जरिए की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। मालदीव के बायकॉट को लेकर चल रही मांग के बीच भारतीय ट्रैवल कंपनी इजी माई ट्रिप ने गुरुवार को दोहराया कि वह 8 जनवरी से मालदीव के लिए अपने प्लेटफॉर्म के जरिए की जाने वाली सभी बुकिंग को सस्पेंड करने के फैसले पर कायम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से लाल सागर में चुनौतीपूर्ण सुरक्षा हालात पर चर्चा की। जयशंकर और ब्लिंकन ने फोन पर हुई इस बातचीत में इसराइल हमास संघर्ष और यूक्रेन के हालात पर भी विचार साझा किए। जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, मेरे मित्र अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से आज अच्छी बातचीत हुई। हमारी बातचीत में विशेष रूप से लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। गाजा समेत पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात पर उनके दृष्टिकोण को सराहा। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारत नेपाल सरहद पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहेगी। इसको लेकर नेपाल में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा तो नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इंडो नेपाल सरहद पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जानकारी के अनुसार अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको लेकर हर तरफ सुरक्षा चौक चौबंद की जा रही है। सोशल मीडिया के दिग्गज कंपनी व्हाट्सएप ने आईफोन यूजर्स को एक नया फीचर दिया है जिससे लोगों को चैटिंग एक्सपीरियंस और शानदार होने वाला है। दरअसल कंपनी ने iOS यूजर्स के लिए कस्टम स्टिकर बनाने का फीचर रोल आउट किया है। साथ ही यूजर्स स्टिकर को एडिट भी कर सकते हैं। iOS यूजर्स अपनी गैलरी से किसी भी फोटो को स्टिकर में बदल सकते हैं। स्टिकर में बदलने के बाद यूजर्स इसमें टेक्स्ट इमोजी आदि लगाकर इसे और भी क्रिएटिव बना सकते हैं। इसके कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है। इंडियन सार्स CoV-2 जीनोमैक्स कंसोर्टियम के अनुसार कोविड-19 का JN1 सब वेरियंट 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है और अब तक इसके 923 मामले सामने आ चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में सबसे अधिक 214, महाराष्ट्र में 170, केरल में 154, आंध्र प्रदेश में 105, गुजरात में 67 और गोवा में 66 मामले सामने आए हैं। सुरक्षा उपायों में असमानता से वैश्विक स्तर पर साइबर खतरे बढ़ रहे हैं, यह दावा विश्व आर्थिक मंच ने बृहस्पतिवार को ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2024 जारी रिपोर्ट में किया है। एक्सचेंजर के सहयोग से तैयार की गई रिपोर्ट में गलत जानकारी फैलाने या सार्वजनिक धारणा में हेरफेर करने वालों के लिए AI जनित डीप फेक से उत्पन्न खतरों को चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही बताया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में दुनिया के 10 में 8 कारोबार साइबर सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। धोखाधड़ी के इरादे से आने वाले फोन कॉल के मामले में केंद्र सरकार ने मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले लोगों को चेतावनी दी है। दूरसंचार विभाग के अनुसार मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले लोगों को 401 डायल नहीं करने को कहा है। दूरसंचार मंत्रालय के अनुसार अनजान नंबर से धोखाधड़ी के इरादे से फोन कर 401 डायल करने को कहा जा सकता है, लेकिन लोगों को इस सतर्क रहना जरूरी है। दूरसंचार विभाग ने गुरुवार को कहा कि यदि कोई मोबाइल यूजर किसी अज्ञात नंबर से फोन आने के बाद 401 डायल करता है तो कॉल फॉरवर्ड सर्विस चालू हो जाएगी। देश की अर्थव्यवस्था 2024-25 में 4000 अरब डॉलर के पार हो जाने की उम्मीद है। वहीं 2026-27 तक इसके बढ़कर 5000 अरब डॉलर होने का अनुमान है। उद्योग मंडल PSG चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बुधवार को एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया है। उद्योग मंडल ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक 2024 के अंत तक सोच विचार कर रेपो दर में 1% तक की कटौती कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत विकास का सबूत दिखा रही है। उपयुक्त नीतिगत उपायों के जरिए आने वाले दिनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न जोखिम को कम करने को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन देश विदेश में घूमने के लिए अलग अलग टूर पैकेज लॉन्च करता रहता है। इसी कड़ी में IRCTC ने उड़ीसा घुमाने के लिए एक और एयर टूर पैकेज लॉन्च किया है। इस टूर पैकेज के तहत सैलानी भुवनेश्वर, नंदन कानन, चिल्का, कोणार्क और पुरी की सैर कर पाएंगे। यह पैकेज 3 फरवरी से 7 फरवरी तक चलाया जाएगा। इस पैकेज में लखनऊ से भुवनेश्वर और वापसी की यात्रा की व्यवस्था फ्लाइट द्वारा की गई है। घरेलू यात्री वाहन की थोक बिक्री दिसंबर 2023 में 4% बढ़कर 286,390 इकाई हो गई है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दोपहिया वाहनों की घरेलू थोक बिक्री दिसंबर 2023 में 16% बढ़कर 12,11,966 इकाई रही, जो दिसंबर 2022 में 10,45,052 इकाई थी। भारत और मालदीव में जारी तनाव के बीच चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन लगातार आग में घी डालने का काम कर रहा है। अब चीन के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने भारत को लेकर लिखा है कि अहंकारी देश दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो गुलाम हो। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि क्षेत्रीय सहयोग को भारत अपने नुकसान के रूप में देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे चीनी अखबार लिखा है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की चीन यात्रा पर दुनिया नजरें गड़ाए हुए है, लेकिन भारत इसमें कुछ ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है।
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी 15 जनवरी को लखनऊ से सुक्रिया मोदी भाईजान अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बता दें कि इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का स्लोगन दिया गया है, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। एशिया में सबसे अमीर उद्योगपतियों में शामिल मुकेश अंबानी ने नया मुकाम हासिल कर लिया है। उन्होंने बड़ी छलांग लगाते हुए 100 अरब डॉलर क्लब में अपना स्थान बना लिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार पिछले दिनों में मुकेश अंबानी ने 2.76 बिलियन डॉलर की कमाई की है। इसके कारण उनका नेटवर्थ बढ़कर 102 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। हालांकि दुनिया में अरबपतियों के लिस्ट में वो 12वें स्थान पर बने हुए हैं। रिलायंस के शेयरों में आज भी तेजी का रुख जारी है। सरकार इंस्टेंट ऐप के जरिए लोन का झांसा देकर ठगी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के मूड में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि आरबीआई ने लोन देने वाले अग्रणी ऐप के लिस्ट केंद्र सरकार के साथ शेयर की है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के अनुसार आईटी मिनिस्ट्री जल्द ऐसे अवैध लोन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिनका नाम लिस्ट में नहीं है। पिछले दिनों सरकार की तरफ से ऐसे लोन ऐप्स को लेकर चेतावनी जारी की गई थी, जो सोशल मीडिया के जरिए अपना विज्ञापन कर इंस्टेंट लोन देने का दावा करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को सालाना 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। राशि किस्त के आधार पर दी जाती है। हर किस्त में किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपए की राशि आती है। नवंबर महीने में सरकार ने किसानों के अकाउंट में 15वीं किस्त जारी की थी। अब देश के करोड़ों किसान 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। सरकार किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट किस्त की राशि जमा करती है। मुंबई देश के 17 म्यूचुअल फंड्स की 24 स्कीम फाइनेंशियल स्ट्रेस से जूझ रही है। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक इन ओपन डेटेड स्कीम में निवेशकों के 1.7 लाख करोड़ रुपए लगे हैं। इनमें आगे नकदी संकट हो सकता है, यानी इन स्कीम में निवेशकों के धन निकालने में जोखिम की आशंका है। ऐसे में फंड हाउस को तत्काल जोखिम दूर करने के लिए कहा गया है। हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पंजाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अनु गोलू कुमार, नौशद राजा, मोहम्मद सकीर हुसैन, धनंजय कुमार, अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में गणतंत्र दिवस को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।